मुहतरम नाजरीन असलासुरहम की एक नई वीडियो में तमाम दोस्त अब आपको खुश आमदी कहते हैं कुछ जाती मसरूफियात की वजह से चंद दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी जिसकी वजह ऐसी से आप ऐसी से है अब मेरी कोशिश होगी कि वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे जी हाँ तो बड़ी अपडेट ये है जैसा की नई हुकूमत का ऐलान हो चुका है और वजीर आजम शाहबाज शरीफ ने इसका बाकायदा तौर पर हलफ भी ले लिया है अब आपके सहन में बहुत सारे सवाल गर्दिश अभी भी कर रहे हैं की को खत्म कर दिया गया है अब पैसे नहीं मिलेंगे हम लोग परेशान हैं हमें बताया जाए कि अब भी पैसे मिलते रहेंगे या चौदह हजार की इमदाद मिलेगी या इससे कम दी जाएगी और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि बेरजीर फ्राम को दोबारा से शुरू किया जा रहा है अब हमें बेरजीर के पैसे दिए जाएंगे या एहसास प्राम के पैसे दिए जाएंगे आज की वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं की चौदह हजार को दोबारा कब से शुरू किया जा रहा है और आप इसको फटाफट फट कैसे चेक कर सकते हैं परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको इस चैनल पर सौ फीसद इंफॉर्मेशन दी जाती है और अब भी हमारी कोशिश होगी कि आंदा भी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मगर उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं कि चैनल को लास्ट लास्टी ऐसी सब्सक्राइब करे और घंटे के निशान को भी दबा दे जैसा की आपको पता है की वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत चली गई है और अब उनकी जगह नई हुकूमत आ चुकी है जो की वजीर आजम शहबाज शरीफ बन चुके हैं तो अब आपको बताते चले सासुर चौदह हजार की इमदाद मिला करती थी पहले शुरू में बारह हजार दी गई थी और उसमें तेरह हजार का इजाफा भी कर दिया गया था और अब जो मिल रही है वो चौदह हजार की इमदाद मिल रही है आपको ये गारंटी से बताने जा रहे हैं कि अब भी इस इमदाद को जारी रखा जाएगा जिन लोगों के जहन में अभी भी ये सवाल चल रहा है की इस सासुराम के पैसे बंद कर दिए गए है तो इस सासुराम के पैसों को बिल्कुल बंद नहीं किया गया तहम अलबत्ता नई आने वाली गवर्नमेंट ने बेनजीर कार्ड को दोबारा ऐसी शुरू करने का ऐलान कर दिया है जिससे क्या होगा कि अब आपको बेनजीर कार्ड के तहत चौदह हजार की इमदाद मिलेगी लेकिन जिनके पास बेनजीर कार्ड नहीं होगा उनको एहसास प्रोग्राम के तहत ही पैसे अभी फिलहाल दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ दिन के बाद एहसास प्रोग्राम के नाम को सिर्फ खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर बेनजीर प्रोग्राम का नाम रखा जाएगा जो की आज से चार साल पहले भी चलता आ रहा था और लोग इससे पहले छह हजार रूपए की इमदाद लिया करते थे लेकिन अब इस इमदाद को चौदह हजार कर दिया गया है तो अब आपको चौदह हजार ही इमदाद मिलेगी इस हकूमत का भी बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि एहसास के प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए और लोग चौदह हजार को लेने से महरूम हो जाएं। तो ऐसा हर किस नहीं होगा अब भी आपको चौदह हजार की इमदाद लाश्मी मिलेगी अगर आप इसको चेक करना चाहते है चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है आप एहसास सास इक्यासी इकहत्तर पे पोर्टल आरोप लाश्मी जाए और वहाँ पर अपने पैसे खुद चेक करें मुझे उम्मीद है जिन लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि पैसे बंद हो चुके हैं पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके जहन में ये बात क्लियर हो चुकी होगी इस के पैसों को फिलहाल बंद नहीं किया जा रहा वीडियो के केख्तम पर वीडियो को लाजमी से लाइक करें और सब्सक्राइब के सुर्ख निशान को भी दबा दें मिलते हैं नई अपडेट के साथ तब तक के लिए